टोक्यो पैरालंपिक में भारत की भाविना पटेल ने महिला सिंगल्स क्लास 4 सेमीफाइनल मुकाबले में चीन की जांग जियाको को हराकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने सेमीफाइनल मैच में जियाको को 3-2 से शिकस्त दी। इस जीत के बाद भाविना फाइनल में पहुंच गई। भारत की तरफ से पैरालंपिक इतिहास में टेबल टेनिस स्पर्धा के फाइनल में पहुँचने वाली पहली एथलीट है। उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में वापसी करते हुए विश्व की तीसरे नंबर की खिलाड़ी चीन की जांग जियाओ को मात दी। भाविना भले महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हो, लेकिन उन्हें यहां तक का सफर तय करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गरीबी और पोलियो से जूझने के बावजूद भाविना ने कभी हार नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने शौक और मनोरंजन के लिए टेबल टेनिस खेलना शुरू कर दिया। व्हील चेयर पर बैठकर टेबल टेनिस खेलते हुए उन्होंने इसमें करियर बनाने की सोची, जिसमें वे सफल हुई। साल 2011 में PTT थाईलैंड टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीतने के बाद उनको प्रसिद्धि मिली। इसके बाद अक्टूबर 2013 में बीजिंग एस्टन पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में उन्होंने महिलाओं के सिंगल्स क्लब 4 स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। एक समय वे दुनिया की दूसरे नंबर की टेनिस खिलाड़ी थी। 4 साल बाद भाविना ने 2017 में एक बार फिर बीजिंग में कमाल किया। एशियाई पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में वे कांस्य पदक जीतने में सफल रही। भाविना क्लास 4 की पैरा एथलेटिक है। इस कैटेगरी के खिलाड़ियों के हाथ पूरी तरह सुरक्षित होते हैं। उनकी दुर्बलता की वजह रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में चोट या सेरेब्रल पाल्सी की वजह से हो सकती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।